स्वागत है हमारे शो करोना पे चर्चा में। मैं आपकी प्रिय रिपोर्टर आभ्या तेंगोरिया आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपका परिचय करवाने वाली हूँ कुछ ऐसे महान लोगों से जो हमारा इस गंभीर महामारी के वक्त हौसला बढ़ा रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अनन्या से। बोलो भैया। धोते रहिए और सैनिटाइजर लगाइए। जय हिंद। तो आपने अब डॉक्टर्स की तो राय सुन ली, अब हमारी अनन्या की तो, डॉक्टर अनन्या की तो राय सुन ली, तो अब सुनिए मेरी राय क्या है और कैसे हमें अपने हाथ धोते रहना चाहिए। तो देखिए, पहले साबुन लीजिए और ऐसे 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 करिए, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। जब हो जाए तो पानी में लेकर ऐसे धो दीजिए। बस यही थोड़े से स्टेप्स आपकी हालत बिगड़ने से बचा सकते हैं। तो जय हिंद। तो अब आपने डॉक्टर्स की दोहराई सुन ली, अब देखते हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स का इस गंभीर लॉकडाउन के वक्त क्या हाल चल रहा है और रोडों पे क्या कर रहे हैं पुलिस वाले। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं तो बताइए। ये है एसएसपी श्रेयस भारद्वाज। तो हम इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन के वक्त क्या चल रहा है रोडों पे। देखिए, लोग बिना मतलब के घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उनको सजा नहीं पड़ रही है। हम उनको लाठीचार्ज करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कोरोना वायरस की चेन नहीं टूटेगी और हमारी देश की हालत भी अन्य देशों की तरह हो जाएगी, जैसे कि चाइना, इटली और अमेरिका। तो बताइए, आप इसका सुझाव क्या निकाल रहे हैं। देखिए, हमारी पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल सारे लोग सारे कर्मी हम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अनाउंस करते हैं कि घर के अंदर रहें और अपने ज़रूरत का सामान ले लें, हैं। और जो हमें 11 बजे के बाद दिखता है, हम उसे सजा देते हैं, हम उसे मुर्गा बनाते हैं और चक्कर लगवाते हैं। तो धन्यवाद। और आप भी घर के अंदर ही रहिए। जय हिंद। तो अब आपने ऑफिसर्स और डॉक्टर की तो राय सुन ली, अब देखते हैं कि आम जनता का इसमें क्या कहना है। तो चलिए चलते हैं, सुनिए जी, आपका इस लॉकडाउन के वक्त क्या हाल है और आपका इस महामारी को लेकर क्या सुझाव है। मैम, ऐसा क्या कहें।